Okay, so today we are going to discuss maxima and minima. Differentiation we have done. अब फिजिक्स में अगला जो बेसिक मैथ में टॉपिक आता है जिसका नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये काफी इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि जैसे कभी बोला जाएगा एक पार्टिकल का वेलोसिटी मैक्सिमम कब है, फोर्स मैक्सिमम कब है, एनर्जी कब मिनिमम है, कब मैक्सिमम है, यानी मैक्सिमा और मिनिमा का यूज हर चैप्टर में हर जगह होगा. उसको आज बेसिक मैथ में अभी से क्लियर करना है जिससे कि जब फिजिक्स में नंबर आए ये वैल्यू या कोई भी फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है तो कोई दिक्कत वहां पर ना आए. इसको पढ़ने से पहले, क्योंकि बेसिक का पार्ट है, एक चीज हमें समझनी होगी. जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ कि y इज द फंक्शन ऑफ x, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो और जो बच्चे अगर बीच में, मैं बार बार बोलता हूँ, अगर यहाँ से इसको देखना शुरू कर रहे हो तो समझ में नहीं आएगा. बेसिक मैथ अगर पूरी क्लियर करनी है तो वन से देखो, और विदाउट बेसिक अगर डायरेक्ट फिजिक्स में जंप करोगे तो बहुत दिक्कतें आएंगी. इसका मतलब होता है कि अगर x में कोई भी चेंज होगा तो उसके करेस्पॉन्डिंग y में चेंज होगा. हम लोग x को बोलते थे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मैंने पढ़ाया हुआ है, और y को हम लोगों ने बोला था डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना. अब यहाँ पर मैं छोटी सी एक बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो, मैंने ये समझाया था कि जब भी इन दोनों का ग्राफ अगर कभी प्लॉट करना हो तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी इनपुट x एक्सिस पर लेना है और y एक्सिस पर वो लेना है जो आपका रिजल्ट आएगा. ठीक, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक रेंडमली ऐसी एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक ग्राफ टाइप का बना. तो ग्राफ पर देखो यहाँ पर एक एंगल आ रहा है, ये थीटा है. अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट P लिख दूं और इसके कोऑर्डिनेट लिखूं तो x कॉमा वाई, यानी x कॉमा वाई का मतलब है ये y है और ये हमारा x एक्सिस है. मैंने पूछा मुझे ये बताओ कि यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो tan थीटा का वैल्यू होगा y अपॉन x. इस सिंपल फॉर्मेट पर तुम्हें समझाना ये चाह रहा हूँ कि जो ये एक ट्राइंगल टाइप का था O और पॉइंट P और पॉइंट Q, इस ट्राइंगल पर मैंने tan थीटा की वैल्यू को निकाला. अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो tan थीटा है मैं इसको स्लोप स्लोप बोल रहा हूँ, ऐसे y अपॉन x के फॉर्मेट. क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा समझ में आने से पहले मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि स्लोप कैसे निकालते हैं. जैसे मान लो मैंने इसी को अभी तुम्हें एक सिंपल सा रूल ये बताया कि tan थीटा का वैल्यू निकाला वाई अपॉन एक्स, मैंने इसको स्लोप बोला. ठीक, इसी टाइप से अगर मान लो मैं एक लाइन और खींचू ऐसे, अब मैं यहाँ पर स्लोप निकालना चाहता हूँ इस पॉइंट पर, ये लाइन ऐसे थी. तो यहाँ पर देखिए इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखोगे तो मैं ये मान सकता हूँ कि जब यहाँ से y1 वैल्यू है और ये इसका y2 वैल्यू है, y1 से y2 ज्यादा है, जैसे y1 तक 5 सेंटीमीटर, y2 तक जाओगे तो 10 सेंटीमीटर, उसी टाइप से यहाँ पर ये x1 वैल्यू है और इस पॉइंट पर ये x2 वैल्यू है, ये एक कोई एंगल थीटा है. अब मैं जानना चाहता हूँ कि ये थीटा का वैल्यू कितना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे सपोज मैंने ओ लिखा, इस पॉइंट को पी लिखा, इस पॉइंट को क्यू लिखा, फिर आपसे बोला कि मुझे ना tan थीटा का वैल्यू बताइए, तो क्या लिखोगे, P से Q तक क्या हुआ है y2 माइनस y1. ठीक, O से Q की वैल्यू क्या होगी, तो बोलोगे x2 माइनस x1. डिफरेंशिएशन में मैंने समझाया हुआ है कि ये जो y2 माइनस y1 है, अगर इन दोनों पॉइंट्स का यानी P और Q के पॉइंट के बीच का डिफरेंस अगर फाइनाइट नंबर आता है, मीन्स वन से ज्यादा आता है, तो हम लोग इसको लिखते हैं डेल्टा वाई से. और जो ये x2 अपॉन x1 का वैल्यू है, अगर ये एक से ज्यादा है तो लिखते हैं डेल्टा x के साथ. ये रेशियो है चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको tan थीटा से लिखा जा सकता है. ये भी अभी स्लोप है. फिर हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में ये पढ़ा कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज बहुत थोड़ा सा हो, यानी जो x एक्सिस पर इनपुट है ना उसमें जो चेंज करो वो बहुत थोड़ा सा करो, वन से कम करो, जो मैंने बिगनिंग में डिफरेंशिएशन में क्लियर किया था. अगर ये बहुत कम चेंज है तो इसको कैसे लिखना बताया था कि हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं कि अब इस फंक्शन का एक लिमिट आ गया है, ये LIMT लिमिट जो है, ये मैथ में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है. यहाँ सिर्फ तुम इतना समझ लो कि इस लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो लिखने का पर्पज मेरा ये है कि अब मैं डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स का रेशियो लिखने जा रहा हूँ, जिसमें कंडीशन ये है कि जो डेल्टा एक्स में चेंज होगा वो बहुत थोड़ा सा होगा, किसमें, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स. तो ये पूरी वैल्यू जो पहले फाइनाइट डिफरेंस को शो कर रही थी,
जब इंडिपेंडेंट में चेंज बहुत थोड़ा सा हुआ तो ये बदल जाती है डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मेट पर। तो जहां डेल्टा लिखा है वहां पे डी आ जाता है, जैसा मैं पढ़ा चुका हूँ, डी वाई ओवर डी एक्स। तो मैंने यहाँ से ये सीख लिया कि टेन थीटा का वैल्यू मैं डी वाई डी एक्स लिख सकता हूँ, यानी हमारा स्लोप वाई अपॉन एक्स भी हो सकता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स भी हो सकता है, और ये स्लोप अगर चेंजेस बहुत थोड़े से हैं तो भी टेन थीटा इक्वल डी वाई ओवर डी एक्स हो सकता है। स्लोप को कभी कभी एम से भी मैथ पे लिखते हैं, तो एम इक्वल टेन थीटा और टेन थीटा इक्वल डी वाई ओवर डी एक्स, इसको हम लोग बोलेंगे स्लोप। अब मुझे यहाँ स्लोप के लिए कुछ मैथ चाहिए कि ये स्लोप निगेटिव होगा पॉजिटिव होगा कैसा होगा, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा पे आने से पहले ये बेसिक हमें चाहिए। ठीक, अब आगे मैं चला, जैसे मैंने मान लो यहाँ पर ये लिखा कि टेन थीटा का वैल्यू, अब देखिए अगर थीटा का वैल्यू लेस 90 है तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने पढ़ा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 होता है तो जितने भी फंक्शन होते हैं साइन हो कॉस हो टेन हो वो पॉजिटिव होते हैं। तो अगर हमारे स्लोप में थीटा का वैल्यू 90 से कम आ रहा है तो टेन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव लिया जाएगा। टेन थीटा पॉजिटिव होने का मतलब है स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव कह सकते हो, या डी वाई ओवर डी एक्स को पॉजिटिव बोल सकते हो, या डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को पॉजिटिव बोल सकते हो। मतलब स्लोप पॉजिटिव कब आएगा, अगर मैंने स्लोप निकाला और उस स्लोप का वैल्यू 90 से कम आया। तो अब मान लो यही वैल्यू, अगर थीटा का वैल्यू मेरा 90 से ज्यादा है, कहीं मैं स्लोप निकाल रहा था और उसका वैल्यू 90 से ज्यादा आ गया, 90 से ज्यादा आने का मतलब है मुझे सेकेंड क्वाड्रेंट में इंटर करना पड़ेगा, क्योंकि यही वैल्यू जो ये वाली बनी है ये वैल्यू 90 से ज्यादा होगी। तो थीटा अगर 90 से ज्यादा है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के अकॉर्डिंग टेन थीटा का वैल्यू निगेटिव होगा, क्योंकि टेन का फंक्शन सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि साइन और कॉस ही पॉजिटिव हो सकते हैं, अदर फंक्शन कॉस हो या सेक हो टेन हो या कॉट हो वो निगेटिव होगी, तो टेन का वैल्यू निगेटिव होगा। यानी स्लोप सॉल्व करते टाइम अगर आपका थीटा जो आपने निकाला वो 90 से ज्यादा है, इसका मत और 180 के बीच में है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में अंदर आते ही टेन पॉजिटिव हो जाता है, उसकी बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ 0 और 180 के बीच की। तो टेन थीटा का वैल्यू निगेटिव हुआ, इसका मतलब आप समझ जाओगे कि जो स्लोप है उसको आपको बोलना पड़ेगा निगेटिव है, या डी वाई ओवर डी एक्स का जो वैल्यू है उसको बोलना पड़ेगा निगेटिव है, या फिर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का वैल्यू बोलना पड़ेगा निगेटिव है, या मैं इसी को बोलूंगा कि जो मेरा स्लोप आया वो निगेटिव है। अब ये निगेटिव का मीनिंग क्या होगा वो थोड़ी देर में समझ में आएगा। मतलब डेल्टा एक्स में जो मैंने चेंज करा उसकी वजह से डेल्टा वाई में जो चेंज आया वो वैल्यू निगेटिव आ रही है। ओके, अब इसमें हमें अगले वाले स्टेप पर ये सीखना है कि ये स्लोप को मैं समझ गया कि टेन थीटा से निकाल सकते हो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स कर सकते हो, डी वाई डी एक्स कर सकते हो, जिसमें स्लोप का वैल्यू 90 से कम है तो पॉजिटिव लेना है और अगर ज्यादा है तो निगेटिव लेना है। पर अगला क्वेश्चन ये आता है कि स्लोप को मैं निकालूंगा कैसे, क्या उसके लिए भी कोई रूल है? तो देखो, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने बोला कि एक पॉइंट यहाँ पे समझ लो, पहले थोड़ी सी टेंथ की मैथ पर आओ, इस टाइप का एक इक्वेशन पढ़ते थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो, और इसको हम लोग बोलते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यानी एक्स पर पावर अगर 2 है तो जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो उस ग्राफ का नेचर, ये पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो थोड़ी देर के लिए याद करो, अगर एक्स पर पावर 2 है, एक्स पर पावर अगर 1 होती तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन में जाता, लेकिन यहाँ पर पावर 2 है तो जो ग्राफ का नेचर होगा वो होगा पैराबोला। अब उसकी कुछ शर्तें हैं, ये जो एक्स स्क्वायर है यहां पर अगर कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देखिए कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहां पर कितना है वो है ए। अब ये ए का वैल्यू दो कैटेगरी में हो सकता है, हो सकता है कि कॉफिशियंट एक्स स्क्वायर का निगेटिव आए, किसी क्वेश्चन में लिखा है माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट निगेटिव हुआ, यानी अगर इस टाइप की इक्वेशन लिखी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो,
तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट है वो निगेटिव है, तो जो ग्राफ बनेगा होगा तो पैराबोला ही, क्योंकि पावर टू है, पर वो पैराबोला ऊपर डाउन इस तरह से होगा, यानी ग्राफ का नेचर पैराबोला होगा और ओपन डाउन होगा। ये चीज याद रखनी है, काफी काम आएगी, और जब ग्राफ पढ़ाऊंगा तो इसको और डिटेल में बताऊंगा। अब मान लो अपने पास इक्वेशन इस टाइप से आ रही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो टाइप, तो मैं ये देख रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशियंट है वो पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये तो पहले ही डिसाइड हो गया कि अगर एक्स पर पावर टू है, इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में है, तो ग्राफ का नेचर तो पैराबोला होगा। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट पॉजिटिव है तो वो ग्राफ जो पैराबोला होगा वो ओपन अप ऊपर की तरफ बनाओगे। एक्स स्क्वायर की जगह ये देख लो ओपन अप, तो ये जो ग्राफ का नेचर है वो पैराबोला भी है और ओपन अप भी है। जरूरी नहीं है कि ये ए एक्स स्क्वायर टाइप इक्वेशन हो। मान लो यहाँ पर ऐसे लिखा है ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स की जगह मैंने टाइम रख दिया, तो जो अब जैसे अभी तक जो मैं ग्राफ बना रहा था वो एक्स के साथ था, तो कोई दिक्कत नहीं है। टी स्क्वायर का कॉफिशियंट नेगेटिव है, यानी अब ग्राफ में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, जैसे एक्स लिखा था तो यहाँ पर एक्स होना चाहिए, यहाँ पर एक्स होना चाहिए, अब यहाँ पे टी आ गया, तो जब इसका ग्राफ बनाओगे तो पैराबोला तो नीचे ही जाएगा बट यहाँ पे टी लिखा होगा। अगर ये इक्वेशन में ऐसे लिख दिया जाए ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो टी स्क्वायर पर पावर यानी टी पर पावर टू नेचर हो गया क्वाड्रेटिक, तो ग्राफ होगा पैराबोला। टी स्क्वायर का कॉफिशियंट ए है पॉजिटिव, तो जो ग्राफ बनेगा वो ऊपर की तरफ जाएगा। एक बेसिक तो हम ये लेके चल रहे हैं कि अगर मेरी कोई क्वेश्चन में ऐसी इक्वेशन दी जा रही है जहां एक्स पर पावर टू आ रही है, मतलब क्वाड्रेटिक टाइप की इक्वेशन बन रही है, तो ग्राफ हमेशा पैराबोलिक शेप में होगा, और अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट निगेटिव है तो पैराबोला हम बनाएंगे नीचे की तरफ यानी ओपन डाउन, और अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब ग्राफ तो पैराबोला होगा बट वो जाएगा ऊपर की तरफ यानी पैराबोला ओपन अप। ये बेसिक लेके चलो। उसके बाद अब देखना, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है वाई एक्सिस और यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स एक्सिस। अब मेरे पास ना एक ऐसा कोई ग्राफ बना हुआ है ऐसे बस, और किसी ने बोला कि इसका स्लोप निकाल के बताइए, किस पॉइंट पर बताइए, पूछा गया पी पॉइंट पर स्लोप बताना। तो स्लोप बनाने का तरीका सुनो, जब भी ऐसे ग्राफ दिखाई दे तो जिस पॉइंट पर पूछा जाए वहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दो टेंजेंशियली, और इसको बोला जाता है टेंजेंट। ठीक, अब इस टेंजेंट का क्या करना है, इस टेंजेंट को पीछे डॉटेड डॉटेड करते हुए बढ़ाते चले जाओ, ये टेंजेंट बन गया। फिर एंगल मेजरमेंट जो मैंने सिखाया है कि कोशिश करो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही लो, तो यहां से जब एंगल लोगे तो ये थीटा आपको मिल गया, मिला थीटा। ध्यान से देखो कि ये थीटा का वैल्यू 90 से कम है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो स्लोप बोला जाएगा, ये जो स्लोप है जिसको हम 10 थीटा से लिखते हैं वो स्लोप नेगेटिव होगा, और इसको हम स्लोप की जगह डी वाई ओवर डी एक्स भी लिख सकते हैं, तो डी वाई डी एक्स का वैल्यू नेगेटिव हुआ, या इसको हम एम से भी लिख सकते हैं, तो ये स्लोप मैंने कैसे निकाला, निगेटिव। अब यहाँ पे मैंने नेगेटिव नेगेटिव लिख के बता दिया, अब देखना क्या ये सही है। अगर मैं पूछूं कि जो मैं नेगेटिव लिख रहा हूँ क्या ये सही है, तो थोड़ी देर के लिए बच्चे जब क्लास में पढ़ो तुम्हें दिमाग में पता क्या चल रहा होगा, सर आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि 90 से कम है तो पॉजिटिव होगा, यस ये 10 थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो डी बाई डी एक्स पॉजिटिव और एम पॉजिटिव। ये मैंने जानबूझ के गलत किया, जिससे कि थोड़ा सा दिमाग में ये एक अलग टाइप की क्वेरी है, सर तो गलत दिखते जा रहे, मुझे पता है मैं गलत दिख रहा था इसलिए इसको मैंने सही किया। अब सोचो कि एक स्टूडेंट वो है जो क्या चाहता है, कोई जबरदस्ती है कि एंगल मैं इधर से लूं, सर मैं तो इधर से ना लूंगा इस साइड से, इस साइड से लोगे तो थीटा का वैल्यू देखो 90 से ज्यादा आएगा, आ रहा है ना, और अगर ये 90 से ज्यादा आ रहा है तो देखो इसको ध्यान से, अगर इसको क्वाड्रेंट बना दोगे इसी पॉइंट पर, तो तुम्हारा ये था ना, यहां से तुमने एंगल लिया, ये लास्ट में किस क्वाड्रेंट के अंदर आ रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज जब हम एंगल लेते हैं तो उसको नेगेटिव लेते हैं, अगर उधर से लोगे तो यही स्लोप हम कैसा बोलने लग जाते,
निगेटिव, लेकिन जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये देखोगे कि लास्ट में ये लाइन आ रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आ गई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने का मतलब है कि कोई भी फंक्शन हो वो पॉजिटिव ही होता है। और देखते हैं, जैसे कई सारे ग्राफ बना लो, जैसे मान लो एक मैंने ये बना दिया ऐसे, यहाँ पर इसका मुझे स्लोप निकाल के बताना है। एक ग्राफ मैंने क्या करा, एक लाइन ऐसे खींच दी, बोला इसका स्लोप बताइए। फिर मैंने क्या करा, एक लाइन को ऐसे बनाया, बोला इसका स्लोप बताओ। एक यहाँ पे ऐसे ग्राफ बना के छोड़ दिया, कहा इसका स्लोप बताओ। और एक यहाँ पे बना दिया ऐसे और कहा इसका स्लोप बताओ। अब देखना है प्रैक्टिस के लिए, तो ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। मुझे बताना है स्लोप पॉइंट नंबर वन पर, पॉइंट नंबर टू पर और पॉइंट नंबर थ्री पर, तीन जगह स्लोप निकाल के देने हैं। तो रूल ये कहता है कि स्लोप निकालने के लिए पहले उसी पॉइंट से टेंजेंट खींच दो। अब देखो ये टेंजेंट ऐसे जा रहा है, ये गया। इस टेंजेंट को जब मैं पीछे ला रहा हूं तो मैं साफ देख रहा हूं ये एक्स एक्सिस पे तो नहीं मिल रहा है, वाई पे जाके मिला। अब एंगल निकालना होता है एक्स से, एक्स और इस टेंजेंट के बीच को दोनों को देखो तो ये पैरेलल लाइन जा रही है। पैरेलल लाइन जाने का मतलब है एक्स एक्सिस के साथ यहाँ का एंगल जीरो मिलेगा, मिला। अगर ये एंगल जीरो है तो इसका स्लोप कितना होगा, टेन जीरो, तो आंसर आया जीरो। तो वन पॉइंट का स्लोप कितना मिला हमें, जीरो। अब मान लो कि हमें जो स्लोप निकालना है वो पॉइंट नंबर टू पे निकालना है, तो टू के ठीक सामने एक टेंजेंट बना दो और उस टेंजेंट को पीछे लेते चले आओ। ये पीछे लेकर आ रहे हो तो यहाँ पर देखो ये थीटा मिला, इसका वैल्यू लेस 90 है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा स्लोप आया कहाँ पर, पॉइंट टू पॉइंट का, वो स्लोप की वैल्यू 10 थीटा है और वो वैल्यू होगी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि थीटा का वैल्यू 90 से कम आया, वन का स्लोप तो जीरो आ गया, टू का स्लोप पॉजिटिव आ गया। अब इसी तरह से मान लो मुझे थर्ड पॉइंट का निकालना था, तो थर्ड पॉइंट के बारे में जब देखा तो यहाँ पर एक टेंजेंट आगे जाएगा ऐसे, उस टेंजेंट को पीछे बढ़ाते हुए यहाँ तक पहुंच गए, ये आ गए। एक्स एक्सिस से जब मैंने इसका एंगल निकाला तो ये देखा कि थीटा का वैल्यू 90 से ज्यादा आ रहा है, यानी ये स्लोप है टू पॉइंट का। और अगर मैं थ्री पॉइंट का स्लोप निकालूंगा तो मुझे लिखना होगा टेन थीटा, टेन थीटा का वैल्यू 90 से ज्यादा है तो ये स्लोप होगी निगेटिव। इस तरह से स्लोप निकालोगे। अब जैसे ये बना हुआ है, अब मुझे मान लो इसका स्लोप बताना है, इस ग्राफ का, यहाँ पे ये वाई है और यहाँ पर ये एक्स है, तो स्लोप निकालने का मेथड क्या है, इधर से चलिए देख लो, ये एंगल है थीटा, साफ दिख रहा है कि थीटा का वैल्यू 90 से ज्यादा है, क्योंकि एंगल निकालने की कोशिश हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से करो। टेन थीटा का वैल्यू 90 से ज्यादा है, लेकिन अगर इसको मैं क्वाड्रेंट बना के सोचूं तो साफ दिख रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में ये लाइन दिख रही है, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन का वैल्यू निगेटिव होता है क्योंकि साइन ही पॉजिटिव हो सकता है, तो मेरा स्लोप आएगा निगेटिव। अब दूसरा एक स्टूडेंट आया, उसने कहा नहीं सर मैं एंगल तो इधर से लूंगा थीटा। तो जब एंगल हम लोग एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो उस एंगल को पॉजिटिव माना जाता है, और जब आप एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हो तो वो एंगल निगेटिव माना जाता है। लेफ्ट हैंड साइड से देखने में वैल्यू तो 90 से कम है, लेकिन ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज यहाँ जो थीटा का वैल्यू है वो निगेटिव है, यानी फिर मैं कह सकता हूँ कि टेन थीटा निगेटिव आएगा इधर से भी जाने की वजह से, क्योंकि क्लॉकवाइज लिया। अब देखना ये एक बना हुआ है, अब किसी ने कहा कि इस पॉइंट पर स्लोप बताइए, तो यहाँ से ये देखे पीछे जाओगे इसका टेंजेंट आगे की तरफ जाएगा तो ये वैल्यू फिर से 90 से ज्यादा आ रही है, 90 से ज्यादा आ रही है, मतलब हमारा स्लोप कैसा आ रहा है, नेगेटिव। इसमें जैसे मुझे यहाँ पे स्लोप बताना है इस जगह, तो एक टेंजेंट ऊपर की तरफ जाएगा, फिर उस टेंजेंट को आगे बढ़ाते जाइए, फिर देखिए 90 से ज्यादा आ रही है, फिर नेगेटिव। इधर से जाओगे तो थीटा 90 से कम है पर क्लॉकवाइज दिया तो नेगेटिव, यानी इसका स्लोप भी कैसा आया, नेगेटिव। अब मान लो ये एक लास्ट वाला, यहां तक मैंने जो समझाया कि M1 का 1 पॉइंट का 0, 2 का पॉजिटिव, 3 का नेगेटिव, देखते ही समझ में आने लगेगा। ये देखो नेगेटिव, इसका भी नेगेटिव, इसका भी नेगेटिव। अब जो लास्ट वाला है इसको देखो अगले वाले पेज। जैसे मान लो मैं एक ऐसे ग्राफ बनाया, मैंने यहां पर मैं ऐसे ले गया ये वाला और इसको ऐसे लाया, ऐसे बना दिया ये,
ये वाई और एक्स हो गया, देखना मुझे इसका स्लोप बनाना था वाई और एक्स। किसी ने पूछा कि 0.1 पर स्लोप बताइए और 0.2 पर स्लोप बताइए। स्लोप बनाने का रूल क्या है, जिस पॉइंट पर पूछा गया है उसी पर एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। ये एक टेंजेंट बना, उस टेंजेंट को पीछे की तरफ ले जाओ, ये गया। यहां पर एक टेंजेंट बनाओ, ये देखो टेंजेंट आएगा, ये देखो दोनों टेंजेंट आ रहे हैं। एंगल हम लोग लेते हैं एक्स एक्सिस से, ध्यान से देखो तो वन पॉइंट का टेंजेंट और एक्स एक्सिस दोनों आपस में पैरेलल है, और दो लाइनें अगर पैरेलल हो तो बीच में एंगल कितना आता है, जीरो। तो वन पॉइंट का जो टेन थीटा मिला वो कितना मिला, जीरो। टेन थीटा जीरो मिलने का मतलब हुआ कि मुझे यहाँ पे डी वाई डी एक्स का वैल्यू जीरो मिलेगा ये। और जब मैं यहां पर आऊंगा तो यहां पर भी देखिए थीटा का वैल्यू कितना मिला, जीरो। तो स्लोप कितना हुआ, जीरो। तो स्लोप जीरो होने का मतलब हुआ कि डी वाई डी एक्स का वैल्यू जीरो। इस टाइप से हम स्लोप की बातें करेंगे। तो ये तो था मैक्सिमा मिनिमा का, एक से आने से पहले क्या क्या नॉलेज हमें होनी चाहिए। पहली नॉलेज मुझे ये होनी चाहिए कि वाई और फंक्शन एक्स क्या होते हैं, एक्स इंडिपेंडेंट वाई डिपेंडेंट। फिर मुझे ये पता होना चाहिए कि स्लोप होते क्या है, स्लोप को निकालते कैसे हैं। दूसरा मुझे ये होना चाहिए कि पैराबोला ग्राफ कब आता है, जब इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मेट पर होती है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट निगेटिव होता है तो पैराबोला ओपन डाउन होता है, खुलता तो है कटोरे की तरफ पर नीचे की तरफ, और जब पॉजिटिव होता है तो पैराबोला होता है ऊपर की तरफ। इस टाइप से ग्राफ के बेसिक मुझे समझ आए। अब अगले बोर्ड पर चलेंगे तो वहां पर हम लोग ये पढ़ेंगे कि मैक्सिमा मिनिमा जो असली वाला टारगेट है वो क्या है। मैं यहीं पे समझा सकता हूँ, देखना ये जो बोर्ड पर सामने दिखाई दे रहा है, अब मैं यहीं से शुरू कर दूंगा मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसी बोर्ड पे इतने समझ आएगा। सुनना मैं क्या समझा रहा हूँ, अगर ध्यान से देखो तो ये वाई का जो वैल्यू है इस ग्राफ में वन से ज्यादा, यानी ये कोई वाई की वैल्यू है तो ये मैक्सिमम होगी कि नहीं, और जो टू पॉइंट है वहां पर वाई का जो वैल्यू है वो मिनिमम होगा कि नहीं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बोलता कि 10 मीटर लिखा हुआ है और यहाँ पर 100 मीटर लिखा हुआ है, तो 100 मीटर इस ग्राफ में सबसे ज्यादा वैल्यू है कि नहीं। ध्यान से देखो कि ये जो 0.1 है इससे ऊपर ये ग्राफ जा ही नहीं सकता सबसे ज्यादा, क्योंकि वन चलना मान लो उसने यहाँ से शुरू किया, बढ़ता गया, देखो बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ा ये बढ़ा ये बढ़ा ये बढ़ा, वन पॉइंट पर पहुंचा तो सबसे ज्यादा वैल्यू आ गई। उसके बाद ये कम होना शुरू हुआ, कम होता गया होता गया होता गया होता गया और यहाँ आ गया, टू पॉइंट पर सबसे कम हुआ। उसके बाद इसने फिर बढ़ना शुरू किया। कहने का मतलब है जो मेरा वन पॉइंट है, पहला वाला पॉइंट इस ग्राफ में किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमा को। जो हमारा टू पॉइंट है इस ग्राफ को देखकर किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आंसर है मिनिमा को। यानी इस ग्राफ में वाई की मैक्सिमम वैल्यू 0.1 पर मिलेगी और मिनिमम वैल्यू 2 पर मिलेगी। तो ये हो गया मैक्सिमा और मिनिमा। यहां से मैंने एक चीज और सीखी कि जो वन पॉइंट है वहां पर वैल्यू आ रही है मैक्सिमा, यानी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू पर कभी हमें डी वाई डी एक्स निकालना होगा तो वो वैल्यू जीरो आएगी। कैसे जाना, क्योंकि वन पॉइंट का जो स्लोप है वो जीरो है, और स्लोप जीरो होने की वजह से डी वाई डी एक्स जीरो है। तो किसी भी ग्राफ में अगर कोई पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू को शो करता है, या ये कहा जाता है कि वाई का वैल्यू वन पॉइंट पर मैक्सिमम है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए वहां पे डी वाई डी एक्स जीरो होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मैं 0.2 पर आता हूँ तो वहां पर वैल्यू मिनिमम मिलती है, और मिनिमम वैल्यू में भी डी वाई डी एक्स का वैल्यू जीरो आया। तो अभी तक मैंने ये सीखा कि मैक्सिमा हो तो डी वाई डी एक्स को जीरो कर देना है, और अगर मिनिमा बोला जाएगा तब भी मैं डी वाई डी एक्स को जीरो ही लूंगा। तो मैंने भी ये सीखा कि एक ग्राफ का सबसे टॉप मोस्ट वैल्यू यानी मैक्सिमा, वहां पर और डी वाई डी एक्स को अच्छे से पता है कि इसको हम फर्स्ट डेरीवेटिव बोलते हैं, फर्स्ट डेरीवेटिव जीरो होगा, या ये कहो कि डी वाई डी एक्स की वैल्यू जीरो होगी। अगर मिनिमा दिया जा रहा है तो वहां पर भी जीरो होगी। तो मैक्सिमा हो या मिनिमा हो डी वाई डी एक्स का वैल्यू हमें जीरो ही लेना होगा। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि तो जब दोनों पे डी वाई डी एक्स की वैल्यू जीरो आ रही है तो मैं ये कैसे जानूंगा कि कहाँ पे मैक्सिमा है कहाँ पे मिनिमा है। उसके लिए तुम्हें इसमें समझना पड़ेगा, देखना कैसे। जैसे
अभी जिस ग्राफ की हम लोग बात कर रहे थे वो ये ग्राफ था ऐसे। अब जरा अगर हम लोग इसको थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे जाकर डिस्कस करें तो ये है वाई पॉइंट और ये है एक्स पॉइंट। यहाँ पे पॉइंट अगर वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये हमारा फाइव है, ये सिक्स है और ये सेवन है। मैंने इतने सारे पॉइंट बना दिए। इसमें जो थ्री पॉइंट है वो शो कर रहा है इस फंक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को। जो मेरा पॉइंट सिक्स है वो शो कर रहा है इस जो ग्राफ दिया है इसमें मिनिमम की वैल्यू को। मैंने अभी पढ़ाया अगर मिनिमम है तो डी वाई डी एक्स का वैल्यू जीरो होगा, और अगर कहीं मैक्सिमम है तो डी वाई डी एक्स का वैल्यू जीरो होगा। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि जब मैं वन और टू पे अगर मैं स्लोप निकालना स्टार्ट करूं, जो मैंने अभी समझाया था, अगर वन पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे और उसको पीछे लाओगे ऐसे, तो जो एंगल निकलेगा वो 90 से कम निकलेगा। चाहे वन पर ले लो चाहे टू पर ले लो, दोनों ही केस में टेन थीटा का वैल्यू हमारा जो आने वाला है वो पॉजिटिव आने वाला है, यानी मैक्सिमम वैल्यू के बाद। लेकिन जैसे ही थ्री पॉइंट पर पहुंचते हैं उससे जैसे ही थोड़ा सा आगे खिसके नंबर फोर पर गए, नंबर फोर पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं और पीछे की तरफ लाऊं तो ये वैल्यू थीटा की 90 से ज्यादा दिखेगी। यानी फोर पॉइंट पर अगर मैं एक बार डी वाई ओवर डी एक्स किसका मैक्सिमा के बाद का अगर रेट निकालू तो इसको बोल सकते हो सेकेंड डेरिवेटिव डी एक्स टू, वो वैल्यू निगेटिव आएगी। क्यों निगेटिव आएगी? क्योंकि पॉइंट फोर का स्लोप निगेटिव है। तो यहां से एक चीज समझ में आ रही है कि जो भी फंक्शन मुझे दिया जाए, जो मैक्सिमम वैल्यू है ये वाली मैक्सिमम वैल्यू का जो चेंज होने का रेट था डी वाई ओवर डी एक्स, अगर इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दो, जो भी फंक्शन दिया गया है डी वाई ओवर डी एक्स, यानी इसको लिखते हैं सेकेंड डेरिवेटिव, जो मैं डबल डिफ्रेंशिएशन में पढ़ा चुका हूँ, सॉल्व करने के बाद अगर इसका वैल्यू निगेटिव आता है, यानी कोई भी फंक्शन दिया उसको एक बार डिफरेंशिएट किया डी वाई ओवर डी एक्स, वो तो जीरो होगा। भाई मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूं कि कंडीशन फॉर मैक्सिमा क्या होती है। तो मैक्सिमा जहां पर है वहां डी वाई डी एक्स तो जीरो होगा। अब मैं लेकिन साथ में ये भी तो चलता है कि अगर मिनिमा कहीं पर है तो उसमें भी तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू जीरो होगी, तो मैं कैसे जानूंगा कहाँ मैक्सिमा कहाँ मिनिमा? तो जो फंक्शन है एक बार और डिफरेंशिएट करो, उसको डिफरेंशिएट करने के बाद अगर मेरा आंसर नेगेटिव आया तो वो होगा मैक्सिमा, और अगर सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के बाद यानी डी एक्स टू करने के बाद आंसर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो होगा मिनिमा। ये मैंने कैसे बनाया, ये कंडीशन फॉर मैक्सिमा और कंडीशन फॉर मिनिमा कैसे बनाई? क्योंकि मैंने ग्राफ पे देखा जब मैं मैक्सिमा से थोड़ा सा लेफ्ट में चलूं ऐसे तो स्लोप कैसा आता है पॉजिटिव, और जैसे ही मैक्सिमा के थोड़े से आगे बढ़ जाता हूं सारे डेरिवेटिव नेगेटिव आने शुरू हो जाते हैं। अगर इसका स्लोप निकालोगे पॉइंट नंबर फोर पर पॉइंट नंबर फाइव पर तो वो सारे स्लोप निगेटिव आएंगे, लेकिन जैसे ही हमें मिनिमा मिलता है, मिनिमा से अगर मैं जरा सा भी आगे बढ़ू ऐसे ही, तो इस सेवन पॉइंट का स्लोप चाहो तो निकाल के देख लो, थीटा का वैल्यू लेस 90 आएगा। यानी जब मिनिमा से आगे बढ़ते हैं तो स्लोप पॉजिटिव आने लगता है और मैक्सिमा से आगे बढ़ते हैं तो स्लोप निगेटिव आने लगता है। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमा पर डी वाई डी एक्स जीरो होगा, यस, मिनिमा पर डी वाई डी एक्स जीरो होगा, यस, लेकिन अगर उसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे और वो अगर निगेटिव आया, क्योंकि मैक्सिमा के तुरंत बाद निगेटिव आता है, तो अगर सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है मतलब ये पॉइंट जो होगा जो भी फंक्शन होगा वो मैक्सिमा को शो करेगा। और अगर मिनिमा डी वाई ओवर डी एक्स जीरो कोई भी फंक्शन दिया, पहले मैं उसका डी वाई डी एक्स जीरो करूंगा, उससे जो भी वैल्यू आएगी निकालूंगा, अभी क्वेश्चन करके बताऊंगा, फिर एक बार और डिफ्रेंशिएट करो उस फंक्शन को, दोबारा डिफ्रेंशिएट करने के बाद सॉल्व करने के बाद अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो वो मिनिमा था, और अगर वो आंसर सॉल्व करने के बाद निगेटिव आता है तो वहां पर मैक्सिमा था। सिंपल, मैक्सिमा हो या मिनिमा दोनों में डी वाई डी एक्स जीरो लेंगे, दोबारा डिफ्रेंशिएट करने के बाद सॉल्व करने के बाद आंसर अगर निगेटिव आया तो वो मैक्सिमा, सॉल्व करने के बाद अगर वो आंसर पॉजिटिव आया
मिनिमा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैक्सिमा से आगे बढ़ते ही स्लोप निगेटिव होता है, इसलिए सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव होना चाहिए अगर पॉइंट मैक्सिमा था। अगर आप मैक्सिमा पर थे, उससे आगे बढ़े, सेकेंड डेरिवेटिव निकाला और वो निगेटिव आया, मतलब मैक्सिमा से ज्यादा वैल्यू तो हो ही नहीं सकती। मैक्सिमा का मतलब है वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा है, उससे आगे बढ़ोगे तो कम ही आएगी। क्योंकि अगर कोई क्लास का टॉप मोस्ट स्टूडेंट के नंबर 90 है और ये बोला गया पूरे क्लास में इससे ज्यादा नंबर नहीं हो सकते, तो उस नंबर से जैसे ही आगे बढ़ोगे तो वो 89 मिलेंगे या 88 मिलेंगे। तो इसका मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव वो टॉपर हो गया जिसके 90 थे, सेकेंड डेरिवेटिव कौन है जो उससे कम वाला है, क्योंकि 90 को मैंने टॉपर माना। इसका उल्टा सोचो, एक मिनिमम स्टूडेंट है जिसके 10 मार्क्स आए, मैंने मुझे पता है कि क्लास में जो बॉटम है, जो मेरिट लिस्ट है, उसमें सबसे नीचे जो लिखा हुआ है उसके 10 मार्क्स हैं, उससे अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो 11 मिलेगा या 12 मिलेगा, यानी ज्यादा ही मिलेगा। तो मैक्सिमा से आगे बढ़ोगे तो माइनस करके 80 में से 1 माइनस करोगे तभी तो 89 आएगा, 10 से 11 पे जाओगे तो प्लस 1 करोगे तभी तो आएगा। यानी फर्स्ट डेरिवेटिव तो दोनों में जीरो है, अगर सेकेंड डेरिवेटिव निकाला और आंसर निगेटिव आ गया, इसका मतलब है कि कम हुआ, मतलब वो पॉइंट जहां पर मैं था वो मैक्सिमा था, लेकिन फंक्शन को सेकेंड डेरिवेटिव निकाला, दोबारा डिफरेंशिएट किया और वो वैल्यू सॉल्व करने के बाद पॉजिटिव आ गई, मतलब जहां पर मैं था उससे ज्यादा आ गई, तो वो मिनिमा था। तो याद ये रखना है कि एक बार डिफरेंशिएट dy/dx दोनों का जीरो, सेकेंड डेरिवेटिव सॉल्व करने के बाद निगेटिव मतलब मैक्सिमा था, सेकेंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव मतलब वो मिनिमा था। तो ये है इसका थ्योरेटिकल पार्ट। यहां तक मैंने अभी इसको कंप्लीट किया है और ये पार्ट में सिर्फ थ्योरी मैंने पढ़ाई है। इसका जो पार्ट टू होगा उसमें करेंगे क्वेश्चंस मैक्सिमा और मिनिमा बेस्ड। ओके, तो इसके बाद वाला वीडियो जो कल आएगा उसमें जो थ्योरी मैंने कराई है उससे रिलेटेड मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन 5-7 करूंगा, जिससे कि क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू।